नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाके कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। कपड़ों की कई लेयर होने के बावजूद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं, वहीं कोहरे ने भी दिल्ली को अपने गिरफ्त में ले लिया है। दिल्ली के तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गंभीर कोल्ड डे स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के सफदरगंज वेधशाला में अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.8 डिग्री नीचे था। इसी के साथ कई अन्य इलाकों में भी ठंड का यूं ही कहर बरप रहा है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति से राहत नहीं मिलने वाली है। निचले बादलों के चलते दिन बहुत ठंडे रहेंगे और सूरज नदारद रहेगा। पिछले कई दिनों से निचले बादलों और लंबे वक्त से सूरज ना दिखाई देने के चलते उत्तर भारत में अधिकतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बनी हुई है, जो सामान्य से 2 से 6 डिग्री कम है। ये स्थिति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के उत्तरी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी को तापमान में बढ़ोतरी के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं 8 से 9 जनवरी को दिल्ली समेत उत्तरी और मध्य मैदानी इलाके में बारिश भी हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से 7 जनवरी 2024 से न्यूनतम और अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। यहीं जनता क्या कहती है ठंड को लेकर, आइए सुनते हैं। अंबादत्त सर, आज बाहर निकले हैं, ठंड 2 दिनों से बढ़ गई है, क्या कहना चाहते हैं आप? 2 दिन तो बहुत थी, लेकिन आज जो है स्लाइटली कम है। निकले हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वैसे पोल्यूशन थोड़ा कम है, बहुत ही कम है आज। तो फॉग भी लग रहा है आज? फॉग पहले से कम है, जो परसों 2-3 दिन पहले लगा हुआ था उससे तो आज कम है थोड़ा सा जी। मेरा नाम देवेंद्र सिंह राणा है और आज मौसम वैसे काफी ठंडा मिजाज है। सुबह के टाइम में 5 बजे का यहाँ पर आ रखा हूँ लोधी रोड में, लोधी गार्डन में। तो यहाँ वैसे आज सुबह के टाइम हवा चल रही थी और आप अभी देख ही रहे हैं, थोड़ा बहुत अभी हवा चल ही रही है और थोड़ा सा मौसम के बाद थोड़ा ठंडा तो है ही आज, कुछ दिन से थोड़ा आज तो थोड़ा सा ज्यादा है। दुबेश त्यागी। दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है और आजकल जो यूथ है उसे आजकल उठना चाहिए, सुबह उठकर एक्सरसाइज करे, मॉर्निंग वॉक करे। ठंड तो है ही, क्योंकि प्रकृति ने जो अपने नियम बनाए हैं वो अपने आप फॉलो कर रही है, पर इंसान को भी अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए ऐसे मौसम में। ये 2 महीने ही है जो सर्दियों के होते हैं, जब आपका डाइजेशन भी हाई होता है और आप जो है अपने बॉडी को एक अच्छा हैबिट, अपनी एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। तो इस वजह से ठंड को ज्यादा सीरियसली ना लें और थोड़ा ठंड के बारे में ना सोच के अपने बॉडी के बारे में सोचें। ठंड तो अपनी तरीके से पड़ ही रही है। मेरा नाम हरजीत सिंह है, मैं रोज सुबह यहाँ वॉक करने आता हूँ। ठंड बहुत अच्छी पड़ रही है आज, कल से 2 डिग्री ज्यादा है। कल 6 डिग्री था, आज अभी 8 डिग्री है इस समय, लेकिन हमारी आदत बनी हुई है, लोग पॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन वॉक ना करें तो हमारा काम नहीं चलता है। तो हम रोज सुबह वॉक के लिए आते हैं और बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।